नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को धोखा दे रही है इस नाम की रानी। इन्हें आपसे नहीं, केवल आपके धन से प्यार है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपके आने वाले महत्वपूर्ण भविष्य के बारे में भी बताने वाले हैं, इसलिए आप इसे मिस करने की गलती ना करें व इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी हैरानी होने वाली है। बिल्कुल आपने सही सुना है, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके सामने आपकी अच्छाई करते हैं व आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। कुछ ऐसी ही महिलाएं आप लोगों के जीवन में हैं जो आपसे नहीं, केवल आपके धन से, आपके पैसे से प्यार करती हैं। तो जरा इन नारियों से थोड़ा सावधान हो जाएं। दोस्तों, चाहे तो कोई भी नारी किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को करोड़पति बना सकती है व उसे कंगाल भी कर सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम ऐसी सच्चाई बता रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, यकीनी नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और इसे अंत तक बताई गई हर एक बात को ज़रा विस्तार से जानने की कोशिश करें और बहुत बड़े धोखे से आप बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए एक महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ में। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा सुखी इंसान वह इंसान है जिसे भरपूर प्रेम और विश्वास मिलता है, लेकिन इस संसार का सबसे दुर्भाग्यशाली इंसान वह है जिसे धोखा और अविश्वास मिलता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण का कहने का मतलब ये है कि इंसान यदि अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, कितनी ही धन दौलत, कितनी ही सुख सुविधाओं की चीज़ें अपने आसपास इकट्ठी कर ले, फिर भी यदि वह प्रेम में धोखा खा जाता है तो वह अपने जीवन में बहुत अधिक दुखी हो जाता है, संसार से उसका मन हट जाता है। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह से पहचान लें और धोखा खाने से बचें। दोस्तों, श्री कृष्ण का ये ज्ञान यदि आपको अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो और आप इससे कुछ सीख पाए हों तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब पक्के से कर लें ताकि आप लोगों को प्रत्येक जानकारी समय समय पर प्राप्त हो सके। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें व पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिख दें। आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ आपको बताने जा रही हैं जो आपके होश उड़ा सकती है, पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं जो आपके लिए बहुत ही घातक हो सकती हैं। इन परिस्थितियों को आपको जान लेना बेहद आवश्यक है, वहीं आप अपने जीवन का धोखा खा सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारे जीवन में तो कई लोग हैं जो हमारे रिश्ते में हैं, हमसे जुड़े हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, तो आखिर कौन सा वह इंसान है, कौन सी वह नारी है जो आपको धोखा दे सकती है। आपको बता दें कि हम आपको आज एक ऐसी स्त्री के बारे में बताएंगे जो अंदर ही अंदर आपको धोखा दे रही है लेकिन बाहर से आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देती। तो आपको कुछ ऐसी सावधानियाँ बताएंगे जिन्हें आप बड़े आराम से जान सकते हैं कि वह कौन स्त्री हैं जो आपको धोखा दिए जा रही हैं और आपको बर्बाद करना चाहती हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने। समय आपके जीवन में उतार चढ़ाव का समय चल रहा है। आपके जीवन में परिस्थितियाँ कठिन से कठिन होती चली जा रही हैं। सफलताओं से आप कोसों दूर हैं। हालांकि आप प्रयास तो बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, आप पूरे दिलो जान से मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से आप मेहनत करते हैं, परिणाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको मनचाही सफलता अभी प्राप्त नहीं हो पा रही है। आपके ग्रह की चाल कुछ ऐसी बन रही है, ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार हो रहा है कि आपको संघर्ष अधिक करना पड़ रहा है और फल बहुत ही कम प्राप्त होता है।
या फिर कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपके जीवन में इन सब परिस्थितियों से आप छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताने जा रही हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है, देखते रहिए। दोस्तों, जो लोग व्यापार करते हैं उनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ कम हैं। व्यापार में वैसे तो परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन व्यापार ठीक ठाक चल जाता है और छोटी मोटी समस्याएँ आती हैं, लेकिन उनसे आप बड़े आराम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपको व्यापार में किसी को उधार नहीं देना है। याद रखें कि इस समय किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, इन खास बातों का ध्यान रखें। आपने अपना संघर्ष किस तरह किया है, इस बात के गवाह, इस बात का सबूत आप खुद देते हैं दोस्तों। लेकिन लोग फिर भी आपके सद्भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं। वावे, आपको थोड़ी सी सफलता क्या मिल जाती है लोगों को कि दोस्तों ये दुनिया आपसे जलने लग जाती है, आपको नीचे गिराने की कोशिश करने लग जाती है। पिछले कुछ सालों से आपके आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी गिरावट आई है। आपको बता दूं कि आपका जीवन मानो पूरी तरह से ही बिखर गया हो। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि लोगों ने आप लोगों को मन से कभी भी अपना नहीं माना है, आपका मान सम्मान नहीं किया, और वह लोग बस केवल आपसे रूठे रूठे ही बात करते हैं। लेकिन अंदर से ये लोग आपके ऊपर क्या करते हैं, इसके बारे में तो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। इसलिए आप भी इनके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। ये लोग अंदर से आपसे नफरत की भावना भी रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी स्त्री है जो आपको बर्बाद करने के बारे में सोच रही है, और दोस्तों आपको किस प्रकार तबाह करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों का आपने उनकी परेशानी में साथ दिया है, क्या वे लोग भी आपके साथ में खड़े हुए हैं? क्या उन लोगों ने भी आपकी सहायता की है जिस प्रकार आपने की है? अगर हाँ, तो आप बड़े ही नसीब वाले हैं। लेकिन अगर नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा अपने दिल का हाल। दोस्तों, आपके दुश्मन आपकी इस स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। वे भाप चुके हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, तो वो आपका लाभ उठाने के लिए ऐसी स्थिति बना देते हैं, आपका दुरुपयोग करते हैं। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान भविष्य के लायक नहीं है, फिर भी आप उसकी दिखावटी भावनाओं में बह जाते हैं और अपना शोषण करवा लेते हैं। तो आपको ऐसे इंसानों से भी बचकर रहने की आवश्यकता है। अक्सर लोग आपसे धन उधार लेकर वापस नहीं करते हैं, आपको परेशान करते हैं, और कभी कभी तो दोस्तों आप उस धन को भूल ही जाते हैं, क्योंकि आप उस तरह के इंसान नहीं हैं जो किसी को पीछे ज़्यादा समय तक घूमे और किसी को दोस्तों चाकुओं से वार करे उनका, क्योंकि आपके अंदर बहुत अधिक स्वाभिमान है। आपको दोस्तों अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद है। दोस्तों, स्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन बशर्ते आप कभी भी कोई कार्य व्यर्थ झुकना पसंद नहीं करते। दोस्तों, यही आपके सभी गुणों में से सबसे बेहतरीन चीज़ है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जाऊं कि वो कौन सी स्त्री है जो आपको लगातार धोखा देने जा रही है, अंदर ही अंदर आपका शोषण कर रही है, और वो स्त्री आपको भावनात्मक रूप से इतना अधिक पहचानती है कि आपकी भावनाएं ना बदले इसके लिए वह पहले ही तैयारी करके बैठती हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं और आपका शोषण करती चली जा रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह वो स्त्री है जो हर वक्त आपके साथ रहती हैं। वह आपके कार्यस्थल पर भी हो सकती हैं, आपके घर में भी हो सकती हैं, आपके सहकर्मी भी हो सकती हैं, या फिर आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी हो सकते हैं। दोस्तों, उस स्त्री की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो स्त्री हर वक्त आपकी चापलूसी करने की कोशिश करती हैं, और आपको कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि ये गुण तो आपके अंदर है भी नहीं, तब भी ये स्त्री उन गुणों की आपके सामने आपकी तारीफ कर रही होती हैं। आपके मन में इन सब बातों के लिए कभी कभी थोड़ी सी वहम अवश्य पैदा होता है, लेकिन दोस्तों आप भावनाओं में बह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वह स्त्री अपने आकर्षण का आपके सामने अत्यधिक प्रदर्शन भी करती हैं, और वह चाहती हैं कि आप उनकी तरफ आकर्षित हों और उनसे प्रभावित रहें। देखिए, आपको बहुत सतर्कता से पहचान करनी होगी ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके आसपास रहकर हमेशा आपसे बस मदद की मांग करती रहती हैं, रुपए पैसे को लेकर आपका लगातार शोषण करती आ रही हैं, आपसे तरह तरह की चीज़ों की डिमांड करती रहती हैं। दोस्तों, ऐसी स्त्रियां
तो कभी भला नहीं चाह सकती। वह मन ही मन आपका शोषण कर रही हैं, आपको धोखा दे रही हैं। आप अपनी सेहत बुद्धि का प्रयोग करें और आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। बड़े आराम से आप पता लगा लेंगे। यदि आप भावुक होकर सोचेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन यदि आप अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करेंगे तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा कि वह आखिर कौन स्त्री है। नाम भी आपको पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और जब आपको पता लग जाए तो आप तुरंत ही उस स्त्री से अपना पीछा छुड़ा लें, वरना आप बर्बादी की ओर बढ़ सकते हैं। आपकी बर्बादी निश्चित है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।